अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्राउंड रियल्टर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए अगेन एक खूबसूरत तीन मतलब ब्रांड न्यू स्पेनिश हाउस लेके आया हूँ। इस घर की लोकेशन क्या बन रही है, इस घर की डिमांड क्या है, घर इनसाइड कितना खूबसूरत बना हुआ है, ये तमाम तर जो तफसीलात है इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे आप लोग विजिट किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो व्यूवर्स, करंटली मैं इस वक्त ये फिज़िकल लोकेशन पे मौजूद हूँ मकान के। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये खूबसूरत तीन मतलब ब्रांड न्यू स्पेनिश हाउस है। कॉर्नर के प्लॉट पे इस पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट व्यू आप इसका ले लें, इसी तरह राइट साइड पे भी जो है आप उसको इसका स्ट्रीट व्यू मिल जाएगा। स्ट्रीट की साइज़ की बात करें तो काफ़ी इसकी वाइड स्ट्रीट है, मेरे हिसाब से तो कम से कम ये 20 फुट की गली जो है इसके फ्रंट पर भी बन रही है। इसी तरह आप देखें तो साइड जो गली है वो भी काफ़ी वाइड है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तीन मरला प्लॉट पे ये जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। एलिवेशन को इसको डिस्कस करें तो एलिवेशन में जो है आपको स्पेनिश एलिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। एलिवेशन में जो मेन चीज़ें उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इसमें इन्होंने खूबसूरत लाइट पिंक कलर का जो इन्होंने पेंट का काम जो है वो किया हुआ है। आपको जो है इसमें फर्दर प्रोमिनेंट चीज़ों में आपको स्पॉट लाइट्स जो हैं वो आपको इसमें नज़र आएंगी। साथ ही साथ जो स्पेनिश ग्रिलिंग जो है वो आपको काम उसका नज़र आएगा, जिसमें काफ़ी एक डिटेल वर्क जो है इन्होंने ग्रिलिंग में किया हुआ है। एक्सटीरियर गेट की बात करें तो इसका भी इन्होंने जो काम है वो भी काफ़ी डिटेल में किया हुआ है। मैं आपको उसका क्लोजअप भी दिखा देता हूँ। क्लोजअप में आप देख सकते हैं टू टोन कलर में इन्होंने इसको जो है डिज़ाइन किया है। आप इसमें बीच में जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो आप चेकआउट करें, साथ ही साथ इसमें जो इन्होंने गोल्डन टच जो दिया है वो काफ़ी एक रॉयल लुक जो है ओवरऑल घर में प्रोड्यूस कर रहा है। इंतहाई खूबसूरत घर है व्यूअर्स। स्पेनिश जो विंडोज़ जो है वो भी आपको इसके फ्रंट एलिवेशन में जो है वो आपको मिलेंगे। घर के इनसाइड अब मूव करते हैं, इस घर के मेन फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं, घर में रूम्स कितने हैं और साथ ही साथ जो लोकेशन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। व्यूअर्स, घर के अंदर मैं अब एंटर हो चुका हूँ। पहले मैं आपको लोगों को सबसे पहले इस घर की जो लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। शबीर लेन रावलपिंडी में ये घर लोकेटेड है। शबीर लेन के हवाले से थोड़ा बहुत आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप लोग सेवर फूड शावर रोड पे आप लोग आ रहे हैं तो उसके बैक साइड को जो इलाका उसे शबीर लेन कहते हैं, वहाँ पे ये खूबसूरत घर जो है मेरे पास सेल के लिए आ रहा है। कारपोच में एंटर हो चुका हूँ। कारपोच की पार्किंग के स्पेस की बात करें तो एक गाड़ी तो ईजिली यहाँ पर जो है वो पार्क हो सकती है। साथ ही साथ बात करें तो लेफ्ट साइड पर इन्होंने जो है ये एक्सटर्नल स्पेस दी हुई है, जहाँ पर आप सामने जो वाटर अपलिफ्ट मशीन जो है या जो बोरिंग जो है वहाँ पे उसके कंसोल्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। घर में फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ व्यूवर्स, तो इस घर में जो है आपको बिजली जो है वो मौजूद है आप घर में। साथ ही साथ यहाँ अगर मैं पानी की बात करूँ तो व्यूवर्स, इस खूबसूरत घर में जो है आपको दोनों तरह का पानी, मतलब आपको गवर्नमेंट सप्लाई का जो पानी है वो भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो बोरिंग की फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड की गई है। ब्रांड न्यू घर है, घर में जो गैस वगैरह है वो अभी इंस्टॉल नहीं हुई, लेकिन इसका जो डिमांड नोटिस है वो जमा हो चुका है। तो व्यूवर्स, ये इसकी मेन एंट्रेंस की बात कर लें तो बिल्कुल राइट साइड पे जी घर की मेन एंट्रेंस है, जहाँ से हमें टीवी लाउंज का एक्सेस मिलेगा, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो है इसकी मेन ड्राइंग रूम की एक्सेस है। उससे पहले हम इसके बाहर जो पाउडर वॉशरूम है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। घर में अगर आप लोग के मेहमान आते हैं तो उनके उसके लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड जो है यहाँ पर इन्होंने एक पाउडर वॉशरूम दिया हुआ है। इसके अंदर मैं थोड़ा आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये जी वॉशरूम है डेडिकेटेड पाउडर वॉशरूम। इसके मेन एंट्रेंस से मूव करते हैं व्यूवर्स और घर के इनसाइड को हम जो है उसको भी देख लेते हैं। ये मेन एंट्रेंस से मैं मूव कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं वुड वर्क की बात करूँगा। वुड वर्क की अगर हम बात करें तो मुझे जो घर में लकड़ी जो इन्होंने ओवरऑल जितनी भी यूज़ की हुई वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है तीन मरले के हिसाब से। बाकी इसमें जो इन्होंने जो इसका पॉलिश का काम किया वो थोड़ा इन्होंने डार्क टोन दिया हुआ है, चूँकि घर में ओवरऑल जो कलर्स हैं वो लाइट यूज़ किए गए, इसलिए इन्होंने जो पॉलिश का काम है वो थोड़ा डार्क दिया हुआ है ताकि घर में खूबसूरत जो कंट्रास्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके। ये व्यूअर्स इसकी मेन टीवी लाउंज की स्पेस है, मैं आप लोग एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। टीवी लाउंज में सबसे पहले जो सामने आपको मेन मीडिया वॉल की स्पेस मिलेगी, बीच में मीडिया कंसोल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, और इसी तरह आपको शेल्फ जो है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। राइट साइड पर मैं जैसे ही मूव करता हूँ तो आपको ये ओवरऑल टीवी लाउंज की स्पेस। बिल्कुल सामने व्यूअर्स आपको इस घर का एक खूबसूरत जो है ओपन किचन मिलेगा। ओपन किचन को टीवी लाउंज के साथ जो है वो कंबाइन किया गया है। किचन की मैं बात करूं तो ये एक मॉड्यूलर किचन है, चूँकि इसमें मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। मॉड्यूल्स का कहने का मतलब है आपको इसमें लोअर कैबिनेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। काउंटर टॉप आपको मार्बल ग्रेनाइट के एक लाइट खूबसूरत कलर का जो काउंटर टॉप है वो यहाँ पे इंस्टॉल हुआ मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं सिंक की बात करूँ तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की जो यहाँ पर मटेरियल जो है या फिटिंग्स वगैरह वो यूज़ की गई हैं, और बिल्कुल सामने जो है यहाँ पर बर्नर की स्पेस है। बर्नर के ऑपोजिट जो है व्यूअर्स आपको जो है यहाँ पे रेंज हुड की स्पेस मिलेगी, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। और साथ ही साथ मैं बात करूँ अपर कैबिनेट्स के तो वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूवी शीट्स के अपर कैबिनेट्स आपको मिलेंगे। घर की अकोमोडेशन की व्यूअर्स मैं डिस्कस करूँ तो आप लोग काफ़ी हैरान होंगे कि तीन मरले घर में
अगर एक बंदा 4 बेडरूम्स दे देता है तो ये कैसे पॉसिबल है जी? बिल्कुल, मैं आप सही सुन रहे हैं, बल्कि मैं अभी आप लोगों को भी दिखाऊंगा इस खूबसूरत 3 मरला मकान में जो अकोमोडेशन जो है यहाँ पे 2 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर में लोकेटेड है, इसी तरह जो है 2 बेडरूम जो है आपको इसके फर्स्ट फ्लोर में मिलेंगे। पहले इसके मास्टर बेड में एंटर होते हैं। ये व्यूअर्स, इसका मेन मास्टर बेड है। मास्टर बेड वैसे 3 मरले के हिसाब से कहना तो खैर जायज़ नहीं है, चूँकि 3 मरले के हिसाब से कमरे छोटे होते हैं, लेकिन घर के हिसाब से अगर मैं देखूँ, मैं इसको मास्टर इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें एक तो आपको एक प्रॉपर एक खूबसूरत लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट का व्यू मिलेगा, विंडो जो है उसमें इंस्टॉल्ड है, सिक्योरिटी ग्रिलिंग हुई हुई है, आपको एक प्रॉपर एक वार्डरोब जो है वो सामने इस 3 मरले मकान में मिल रही है, और इसी तरह आप देख सकते हैं कि मार्बल की जो फ्लोरिंग जो है वो भी यहाँ पे खूबसूरत मार्बल की फ्लोरिंग ट्रेवल कर रही है। साथ ही साथ जो मुझे इसमें मेन चीज़ जो पसंद आई है रूम में, वो इसका माशाल्लाह सीलिंग का काम है। सीलिंग का काम इंतहाई खूबसूरत तरीके से हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं वार्म लाइट का काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से इन्होंने यूज़ किया है, और साथ ही साथ इन्होंने 2 कलर जो है वाइट कलर और ब्राउन कलर जो है वो यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल किया है। व्यूअर्स, ये घर जो है ये एक तो स्पेनिश मकान है, साथ ही साथ जो है ये घर आपको इसको आप किसी हद तक डिज़ाइनर कैटेगरी में भी जो है इसमें आप फॉल कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि घर में जो इन्होंने काफ़ी सेंसिबल तरीके से काम हुआ हुआ है, आपको मैचिंग वाली चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्बल, सेम मार्बल जो पूरे घर में वो ट्रेवल कर रही है, सेम कलर 3 से 4 कलर मैक्सिमम घर में यूज़ किए गए हैं, जो कि आपको घर के अलमारियों में भी मिलेंगे, घर के दीवारों में भी मिलेंगे, बाकी जो घर की फिटिंग्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम कलर की इन्होंने जो है मिलते जुलते कलर जो है वो यूज़ किए हैं। ये सेकंड बेड में एंटर हो चुके हैं। आप इसका सीलिंग का काम देखें व्यूअर्स, काफ़ी एक खूबसूरत तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है, 3D एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपको इसके सीलिंग में नज़र आएगा, और साथ ही साथ आप इसको वार्म लाइट जो है वो भी इसको काफ़ी ज़बरदस्त जो है खूबसूरती जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। व्यूअर्स, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, ये जो रूम है इसके साथ जो घर का जो OTS है रोशनदान, वो इस रूम के साथ जो है इन्होंने इंटेंशनली जो है इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये घर का OTS है जो कि सीधा सीधा आपको जो है घर के रूफ टॉप तक जो है ना इसको आपके घर को कनेक्ट कर देगा। फर्दर मैं बताता चलूँ व्यूअर्स, 3 मरला घर में जो है इन्होंने यहाँ जो OTS है ये इसको आप लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एक छोटी सी वॉशिंग मशीन जो है यहाँ पर इंस्टॉल की जा सकती है, और यहाँ पर ईजीली जो है आप घर की जो लॉन्ड्री जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। व्यूअर्स, वॉशरूम की मैं बात करूँ तो ये जो रूम है इसका वॉशरूम और बिल्कुल सामने जो ड्राइंग रूम दिया गया है, दोनों को जो है कंबाइन रखा गया है, ये आप देख सकते हैं। वैसे तो 2 छोटे वॉशरूम में बनाए जा सकते थे, लेकिन वो काफ़ी छोटे हो जाते, इसलिए मालिक ने एक अच्छा डिसीजन लिया, इन्होंने जो है वॉशरूम जो है उसको कॉमन कर दिया है। ये जी मेन इसका कॉमन वॉशरूम है। अगर इसमें टाइल वर्क की मैं बात करूँ तो व्यूअर्स, टाइल वर्क जो है वो 2-टोन कलर में टाइल वर्क जो है वो यूज़ की गई है, आप देख सकते हैं। इसमें लाइट ग्रे और डार्क ग्रे का कम्बिनेशन यूज़ किया गया, सामने इंग्लिश कंबोर्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया है, फिटिंग्स जो है वो काफ़ी एक अच्छी कंपनी की यूज़ की गई है, और इसी तरह आपको यहाँ पे प्रॉपर एक सिंक भी मिल जाएगा। बिल्कुल सामने आप मिरर वर्क देख सकते हैं, जिसमें जो आप एक राउंड जो वर्साशे की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे मैं इससे निकलता हूँ बाहर, तो ये इसका मेन जो है जो इसका मेन ड्राइंग रूम की स्पेस है। ड्राइंग रूम में थोड़ा आप लोगों को बाहर से भी दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को जो इसकी मेन जो एक्सेस है वो समझ आए। मेन जैसी कारपोर्ट से आप एंटर होते हैं, बिल्कुल सामने जो है ये ड्राइंग रूम की स्पेस है, एक सेपरेट डोर जो है इसको प्रोवाइड किया गया है। आप जैसे ही मूव करेंगे इसके अंदर तो आपको ये एक खूबसूरत सा ड्राइंग रूम जो है वो आपको मिलेगा। बड़ी प्यारी व्यूअर्स यहाँ पर सेटिंग हो सकती है, यहाँ पर अगर कारपेट रखा जाता है, साथ में अगर तकिया वगैरह रखे जाते हैं, तो उस हिसाब से एक प्यारी एक सेटिंग जो है वो यहाँ पे आप मेहमानों के लिए जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल सामने आपको जो है एक स्ट्रीट व्यू जो है वो भी मिलेगा, चूँकि कॉर्नर का प्लॉट है जो घर 2 साइड से जो प्रॉपर ओपन है। बिल्कुल सामने विंडो पर वो भी दी गई है, और सिक्योरिटी ग्रिलिंग जो है वो भी घर में हुई हुई है। अभी व्यूअर्स, ड्राइंग रूम है तो इसको थोड़ा इन्होंने और मज़ीद इस पर खर्चा किया हुआ है, आपको यहाँ पे प्रॉपर जो वॉलपेपर का जो पैनल जो है वो भी इस ड्राइंग रूम में आपको मिलेगा। सीलिंग का काम देख लें, वो तो ऑलरेडी घर में जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सीलिंग का काम इंतहाई खूबसूरत तरीके से उन्होंने घर का किया हुआ है। व्यूअर्स, यहाँ तक इस घर का जो है विज़िट वो कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ से मैं आप घर के जो फर्स्ट फ्लोर है उसका विज़िट आप लोगों को प्रॉपर कराऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इस घर के डिमांड वगैरह को डिस्कस करें। व्यूअर्स, इसमें मैं एक चीज़ बताते चलूँ, इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसको प्रॉपर जो है उसके स्टेयर्स जो है वो सेपरेट रखी गई हैं। ये एक प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है, उसकी आप लोगों को बेनिफिट ये होगा घर लेने का, कल से अगर मिसाल के तौर पर अगर इसका सामने जो लोअर ग्राउंड है या ग्राउंड फ्लोर जो है अगर आप उसको अपने पास पर्सनल यूज़ में रखते हैं, तो इसका जो ऊपर का जो पोर्शन है वो आप इजीली रेंट आउट कर सकते हैं, ना आप लोगों की प्राइवेसी जो है वो ख़राब होगी, और आपके जो किराएदार है वो भी ईजिली इस घर में जो है यहाँ पर रेंट पर रह सकते हैं। ये मैं अभी फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव कर रहा हूँ। सबसे पहले इसके स्टेयर केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेयर केस में आपको जो स्टेप्स जो है मार्बल ग्रेनाइट के वो मिलेंगे, जिसमें काफ़ी एक एब्स्ट्रैक्ट वर्क जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सिक्योरिटी ग्रिलिंग जो है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के जो ग्रिल्स हैं वो आपको स्टेयर्स के साथ मिलेंगी, और इसी तरह जैसे हम मूव करते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, तो आप लोग एक खूबसूरत जो है इसका मेन टीवी लाउंज का जो व्यू जो है वो यहाँ पर मिलेगा।
व्यूअर्स, ये कमाल की बात है कि आप लोग देख सकते हैं कि तीन मरले में मालिक ने कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इन्होंने इसको लेआउट को डिज़ाइन किया है। अगर आप इसका टीवी लाउंज देखें, ओपन किचन देखें, ऐसे लगे कि जैसे आप किसी कोई 10 मरले या बड़े घर में जो आप एंटर हो चुके हैं। तो ये जी एक अच्छे बिल्डर की निशानी होती है कि वो काम भी जानता है और वो इस चीज़ को भी जानता है कि एक खूबसूरत लेआउट जो है वो कैसे डिज़ाइन किया जाए। मेन सबसे पहले मैं इसके टीवी लाउंज में अगर डिस्कस करूं तो सामने आपको स्पेनिश विंडोज़ जो है वो आप मिलेंगे। स्पेनिश विंडोज़ में मेन चीज़ ये होती है कि इसमें आर्च जो है वो प्रोवाइड किए गए होते हैं, तो वो सामने आपको लेफ्ट साइड पे भी आपको मिलेंगे, राइट साइड पे जो है वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। सेकेंडली मैं अगर इसकी फ्लोरिंग की बात करूँ तो मार्बल जो है यहाँ पर भी ट्रेवल कर रहा है सेम एज़ ग्राउंड फ्लोर। और इसी तरह अगर आपको सीलिंग की बात करें तो सीलिंग जो है व्यूअर्स वो भी यहाँ पर वॉमलेट के साथ यूज़ की गई है। एक और चीज़ मैं व्यूअर्स आपको बताता चलूँ, आप इसके फ्लोरिंग में जैसे ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर के जो टाइल जो यूज़ हुई हुई है, जिस पैटर्न में फ्लोरिंग में जो ये ब्लैक कलर के टाइल यूज़ हुई है, सेम इसी का जो डिज़ाइन जो है आपको इसके सीलिंग में नज़र आएगा। अगेन ये यहाँ पर इन्होंने एक अच्छा माइंड अपना यूज़ किया है और घर में काफ़ी खूबसूरती जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। व्यूअर्स ये लेफ्ट साइड पर जो है यहाँ पर मेन इसकी मीडिया वॉल है और मीडिया वॉल में आप सामने देख सकते हैं मीडिया कंसोल प्रोवाइड किए गए जो कि आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर में भी मिल रहे थे। ओपन किचन को मैं डिस्कस करूं तो एक बड़ा ही खूबसूरत से इन्होंने यहाँ पे ओपन किचन की सेटिंग की हुई है। इसे मिनी मॉड्यूलर किचन कहेंगे हम। तीन मरले में तो किचन देना तो एक नामुनासिब सी बात होती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इसकी बड़ी प्यारी सेटिंग की हुई है। आप लोगों को लोअर कैबिनेट्स मिल रहे हैं प्रॉपर एक फुल किचन की तरह, काउंटर टॉप मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर, आप लोगों को एक अच्छी जो NG कंपनी की जो है यहाँ पर आपको एक बर्नर की स्पेस जो है वो प्रोवाइड की गई है। अपर कैबिनेट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। और इसी तरह मैं बात करूँ सामने वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो अवेलेबल है और बिल्कुल उसके टॉप पे जो है यहाँ पे आप लोगों को बर्नर की स्पेस मिलेगी। तो ये जी इसके टीवी लाउंज और किचन का ओवरऑल विजिट था। यहाँ से मैं आप लोगों को बेडरूम्स में लेके चलूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह सीधा चलेंगे घर के रूफ टॉप की तरफ और डिमांड वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स अब हम इसके बेडरूम्स जो हैं उनको हम विजिट कर लेते हैं। घर का लेआउट ऑलमोस्ट सेम है, तो ग्राउंड फ्लोर की तरह आपको यहाँ पर भी घर का थर्ड बेड जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। सीलिंग का काम देखें, इसी तरह आपको सामने वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए विंडो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। राइट साइड पे ड्रेसिंग कबर्ड जो है उसकी स्पेस है और सेम मार्बल जो है यहाँ पे भी ट्रेवल कर रहा है। यहाँ से अब मैं जो है घर के लास्ट बेड की तरफ मूव करूँगा। ये जी घर का लास्ट बेड है, तो यहाँ पे भी जो इन्होंने सामने जो है वॉल पेपर या वॉल पैनल जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। सीलिंग का काम देखें व्यूअर्स, अगेन घर में सीलिंग जो है काफ़ी एक इनका मेन फीचर है। मुझे घर की सीलिंग ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत लगी है। लोग नॉर्मली जो इस तरह का अच्छा काम है वो लोग बड़े घरों में करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे तीन मरले में जो है ये फीचर दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे OTS कनेक्टेड यहाँ पे आपको विंडो मिलेगी और आपको सेम एज़ ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। वॉशरूम भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। सेम एज़ ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर आपको वेंटी की स्पेस मिलेगी, कमोड की स्पेस मिलेगी। बिल्कुल सामने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मिरर वर्क का काम हुआ है और वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर विंडो जो है वो भी दी गई है। व्यूअर्स अब यहाँ पे घर का तो वैसे नॉर्मली लेआउट कंप्लीट हो गया है। ये जो रूम है ये अगर आप घर को रेंट आउट करते हैं तो ये एक ड्राइंग रूम में कंसिडर किया जाएगा। अगर आप घर अपने पास रखते हैं तो ये घर का आपका फिफ्थ बेड जो है उसमें इंक्लूड होगा। तो तीन मरले में गहन ये एक और ज़बरदस्त चीज़ आ गई कि ये आपका पाँचवा बेड जो है वो भी आप यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक बेल्कनी दी गई है ज़बरदस्त, यहाँ से आपको स्ट्रीट व्यू जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है ऐसे के टाइम सिटिंग करें, खूबसूरत व्यू आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसी तरह जो है ये आपको एक ज़बरदस्त आपको बेडरूम जो है वो प्रोवाइड किया गया है। सीलिंग का काम देखें और वॉलपेपर जो है यहाँ पे भी या वॉल पैनल यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। जी तो व्यूवर्स यहाँ तक कि ओवरऑल घर का जो विज़िट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि घर का विज़िट जो है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ये घर भी ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। फर्दर भी अगर इस वीडियो में कुछ कमी पेशी है, अगर मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों से कुछ कम शेयर की है, तो आप लोग लाजमी जो है कमेंट में जो है इसके हवाले से मेरा फीडबैक लाजमी शेयर करें। एक तो आपके फीडबैक से ये है कि मुझे मेरा काम मज़ीद बेहतर भी हो जाता है और साथ ही साथ मुझे एक पॉजिटिव एक मोटिवेशन भी जो है वो आप लोगों से मिल जाती है। व्यूअर्स मैं ये रूफ़ टॉप की तरफ पहुंच चुका हूँ। ये रूफ़ टॉप की जो है इन साइड की स्पेस है, ये जो स्पेस है व्यूअर्स ये आप मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। घर में अक्सर जो पठान भाई लोग होते हैं वो यहाँ पर तंदूर वगैरह रखते हैं रूफ़ टॉप में। आप यहाँ पे लॉन्ड्री जो है वो भी इनसाइड लॉन्ड्री के लिए यहाँ पे आप जो है स्पेस इसको यूज़ कर सकते हैं, या घर में कोई और भी आपने यहाँ पे टेम्परेरी पार्टीशन करके भी जो है स्पेस को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इसके आउटसाइड जो है यहाँ पे हम जैसे ही पहुँचेंगे तो व्यूवर्स ये इसका जी आउटसाइड का मैं आपको व्यू दे देता हूँ। व्यूवर्स ये आउटसाइड व्यू है और इंतहाई अमेजिंग, मतलब आप देखें कि इस घर में इन्होंने कैसे खूबसूरती तरीके से जो है ना सामने ग्रिलिंग का काम हुआ है।
राइट साइड पे व्यूअर्स, यहाँ पे एक डेडिकेटेड लॉन्ड्री की स्पेस है। लॉन्ड्री की स्पेस वैसे आपको नीचे भी दी गई थी ओटीएस वाली स्पेस में, और यहाँ पे आपको एक लॉन्ड्री की डेडिकेटेड स्पेस दी गई है। सामने जो है नल्स लगे हुए हैं, इजीली यहाँ पे आप अपनी जो है लॉन्ड्री जो है वो आप कर सकते हैं। ऊपर छत वगैरह जो है वो भी यहाँ पे दी गई है। लास्ट व्यूअर्स, ये इसका वॉशरूम जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है रूफ टॉप पे भी। ये आप देख सकते हैं, मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ, सॉरी लाइट अभी ऑन नहीं हो रही, शायद लाइट चली गई है। तो ये जी इसका काफ़ी बड़ा वॉशरूम आप देख सकते हैं, इंडियन कमोड दिया गया है और यहाँ पे जो वेंटी की स्पेस जो है वो प्रोवाइड की गई है। व्यूअर यहाँ तक इस ओवरऑल इस खूबसूरत घर 3 मरला स्पेनिश हाउस का विजिट जो है कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में मैं इस घर के की फीचर जो है रिपीट कर देता हूँ। शबीर लेन रावलपिंडी में ये लोकेटेड है, मेन पेशावर रोड जीटी रोड के पास ये घर। और साथ ही साथ बात करूँ व्यूअर्स, इस घर में तो नॉर्मली वैसे 4 बेडरूम जो है वो इंक्लूडेड है, लेकिन अगर आप इसके ड्राइंग रूम को भी साथ में शुमार करते हैं तो घर के अंदर ओवरऑल जो है वो 6 बेडरूम जो हैं वो घर के अंदर आएंगे। साथ ही साथ मैं एक और भी चीज़ बताता चलूँ, ये जो सामने जो स्पेस है अगर आप इसको टेम्प्रेरी पार्टीशन कर लेते हैं व्यूअर्स, तो ये भी आपके एक कमरा बन जाएगा जहाँ पर आप सर्वेंट वगैरह को यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से घर के अंदर ये 7 कमरे जो है घर के अंदर आपके आ जाएंगे जी। तो व्यूअर्स, इस घर का ओवरऑल ये खूबसूरत सा विजिट था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं घर के डिमांड की तरफ। व्यूअर्स, मालिक जो इस घर के डिमांड कर रहे हैं वो है 1,20,00,000। अब 3 मरले स्पेनिश हाउस के हिसाब से शायद आप लोगों को डिमांड थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोकेशन जो है इसकी काफ़ी अच्छी है। घर के अंदर घर एक तो कॉर्नर प्लॉट पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, सेकेंडली इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी एक प्रीमियम दी गई है, स्पेनिश एलिवेशन में डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही साथ इसकी जो लोकेशन है वो मेन जीटी रोड से एक गली के अंदर आप अंदर आते हैं तो आपका घर लोकेटेड है। तो जी, ये काफ़ी एक मेन चीज़ है। अब लास्ट में हम वीडियो के एंड की तरफ मूव करते हैं। इस खूबसूरत प्रॉपर्टी को व्यूअर्स अगर आप विजिट करना चाहते हैं, या आप लोगों को फर्दर जो है लो प्राइस हाउस अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में ढूंढ रहे हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो वीडियो में के अंदर भी गिवन है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। इंशाल्लाह व्यूअर्स, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना, तब तक अल्लाह हाफिज़।